मुल्तानी फेमिना जहां फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सोशल मीडिया पर कृषि कानून वापसी पर चारों तरफ इसी स्लोगन की भरमार है। किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं है। मिठाई बांटने वे गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला चल निकला है। गढ़गंगा स्नान के लिए जा रहे अथवा उधर से लौट रहे किसानों के अलावा महिलाएं भी बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से उनके घर वाले घर से बाहर थे, अब ये काले कृषि कानून वापस लेने के बाद कम से कम वे घर पर तो रहेंगे। उधर पीएम मोदी द्वारा यह कहे जाने पर कि वह देशवासियों से माफी मांगते हैं, नेक नियत से बने इस कानून को वह लागू नहीं कर पाए, इस पर तीखी प्रतिक्रिया किसानों की देखने में आई है। उनका कहना है, कानून वापस लिए लेकिन अब इतने समय बाद क्यों? क्या चुनाव में हार का डर सता रहा है? किसान आगामी विधानसभा चुनाव में यह दिखा भी देगा। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। फर्स्ट बाइट की टीम ने आज तमाम किसानों व महिलाओं से वार्ता की, आइए देखिए। भाई हमें घनी कुछ नहीं कहना चाहते, हमें आज जो है सरकार ने क्लियर कह दी, तीन कृषि कानून और किसान अपने अपने घर का वापस जाए, किस प्रकार से स्वागत करेंगे? अजी बहुत खुशी से जल गंगा लाए हैं, तिलक लगाऊंगे, खुशी करेंगे, बहुत खुशी करेंगे। घनी खुशी हुई हमारे किसानों को, इतनी बढ़िया वो दे दी, इन्होंने बेचारे वहाँ पड़े थे, दुखी हो रहे थे, साल भर दुखी रहे, बहुत बढ़िया खुशी मिली हमें। आज गंगे मैया ने हमारा बहुत बढ़िया काम करा, जो आज हमें गंगा जी बहुत खुशी मिली आपके साथ। क्या तीन कृषि कानून बिल वापस लेने वाली गंगा नहीं है? हाँ बहुत खुशी, तीन कानून वापस ली खुशी में। भाई देखो अभी तो प्रधानमंत्री ने बोला है, बोलने पर तो इनके इतना हमें विश्वास है नहीं, पर फिर भी हम स्वागत करें। भाई प्रधानमंत्री कह रहा, कोई साधारण आदमी नहीं, छोटा मोटा कह रहा, लेकिन इन्होंने तो पहले भी लाल किले की प्राचीर से खड़ा होकर कह दिया कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और जब से बेकने ही बेकने पे लग रहा, तो अभी जब तक लिखित में संसद सत्र में ये कानून वापिस नहीं होते, जब तक हमारा कोई अगला कदम हमारा संयुक्त मोर्चा ही बताओगा। हम तो बहुत छोटे यादे हैं, सिपाही हैं यूनियन के, हम तो अपना बैठे हैं, जब तक हमारा संयुक्त मोर्चा से कोई आदेश नहीं आता जब तक हम बैठे हैं। गांव में किस प्रकार की तैयारी है? जो गांव में खुशी का माहौल है, रोजगार संतुष्ट हुए कि कहीं तो मतलब जीत का एक रास्ता खुला। हमारे प्रधानमंत्री ने मानना कि मैं देश की जनता से माफ़ी मांग रहा, हालांकि अभी भी कुछ किसान बोल गए, किन संगठनों से उनकी बात हुई थी अभी तक भी उनका नाम नहीं बताया, कौन से संगठन थे जिनसे बात करी थी, ऐसा तो अभी तक तो प्रधानमंत्री ने कोई नाम बताया नहीं, तो पता लगे। मतलब कहना ये है कि अभी तक आंदोलन जो वापस नहीं होगा, अभी धरना अभी आंदोलन अभी वापस नहीं होगा, अभी आंदोलन चलता रहेगा जब तक सब कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता। MSP है और बहुत सारे मुद्दे, हमारे किसान लखीमपुर खीरी में मारे गए थे, गाड़ियों से कुचल के मारे गए थे, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। गृहमंत्री की गिरफ्तारी, इतने सारे किसान शहीद हमारे वहाँ हुई है, उनके बारे में कोई दो शब्द प्रधानमंत्री नहीं बोल पाए अब तक भी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।